नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर छोटे अमाउंट से लेकर बड़े अमाउंट तक कितनी ही राशि का निवेश किया जा सकता है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पोस्ट ऑफिस आरडी की संपूर्ण जानकारी दूंगा, साथ ही आरडी अकाउंट खुलवाने के क्या फायदे रहते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को कैसे आप खोल सकते हैं, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आरडी अकाउंट की सामान्य जानकारी। आरडी का इंग्लिश में अर्थ होता है रिकरिंग डिपॉजिट और हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्ती जमा योजना। इस खाते के अंदर एक निश्चित राशि हर महीने जमा की जाती है और समय पूर्ण होने पर आपको पूर्ण राशि ब्याज सहित लौटाई जाती है, तो इस खाते को कहते हैं आवर्ती जमा योजना। आप कम से कम 100 रुपए की आरडी खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ कोई लिमिट नहीं होती है। आप 100 के बाद में 10 के गुणक के अंदर आप कितनी ही राशि की आरडी हर महीने के लिए खुलवा सकते हैं। यहाँ पर कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। माइनर अकाउंट यानी बच्चे के नाम से भी आप अकाउंट को खुलवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट भी खुल सकता है और ज्वाइंट अकाउंट भी आरडी का खुल सकता है। यदि बच्चे की आयु 10 साल से ज़्यादा है तो वह खुद इस खाते को ऑपरेट कर सकता है। उसके डॉक्यूमेंट और उसके साइन से वो खाता खुल जाएगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के 3 तरीके हो सकते हैं। आप कैश देकर भी खाते को खोल सकते हैं, चेक देकर भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ऑनलाइन आरडी अकाउंट किस प्रकार से ओपन होता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से है। आरडी अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी सारे ही पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। छोटे से गांव में भी यदि आपका पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर भी आप इस आरडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है यहां पर 5 साल होता है। 5 साल से छोटी आरडी नहीं होती है, यानी कि 5 साल तक आपको हर महीने पैसे जमा करना है और 5 साल बाद में आपको पेमेंट मिल जाएगा। यदि 5 साल बाद में यदि आप पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, आप 5 साल और यानी 10 साल तक उस खाते को बढ़ा सकते हैं। यदि आप खाते को समय से पहले यदि क्लोज करना चाहते हैं तो 3 साल तक आपको क्लोज करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन 3 साल के बाद में इस खाते को आप क्लोज कर सकते हैं। प्रीमैच्योर क्लोजर में आपको बचत खाते की जो ब्याज दर होती है उससे ब्याज आपको दिया जाता है। यदि आप अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ये भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको इस खाते में भी मिलती है। आप नॉमिनेशन कभी भी करवा सकते हैं, खाता खुलवाने के टाइम भी करवा सकते हैं और उसके बाद में भी कभी भी उसको करवा सकते हैं और चेंज भी करवा सकते हैं। डिपॉजिट करने की यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। यदि आपका खाता 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में खुला हुआ है तो आपको पैसा 15 तारीख से पहले ही जमा करवाना होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि आपका खाता 16 से 31 के बीच खुला है तो आपको पूरे महीने कभी भी पैसा जमा करवाने की यहाँ पर छूट मिल जाती है। यदि आप आरडी में कंटिन्यू 6 महीने तक किसी प्रकार की जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है और उसके बाद आप उसको किसी भी प्रकार से चालू नहीं कर सकते। इंटरेस्ट पेमेंट आरडी के अंदर जो ब्याज का जो भुगतान किया जाता है जब आप खाता बंद करवाते हैं उसी समय किया जाता है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारी आरडी के बारे में मैं दे दूंगा। फिर भी यदि कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं। डिफॉल्ट फीस। आरडी का जो अकाउंट होता है वो हर महीने आपको जमा करवाना होता है। यदि आप समय पर आरडी की किस्त जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 100 रुपये पर 1 रुपये की डिफॉल्ट फीस या पेनल्टी आपको देनी होती है। डिपॉजिट करने के दोनों ही तरीके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऑफलाइन तरीके में अंदर आप पोस्ट ऑफिस जाकर एज ए केस किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। और दूसरा ऑनलाइन होता है जो कि आप पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से या आईपीपीबी की सेविंग अकाउंट से आरडी को ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। इन दोनों का ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एडवांस डिपॉजिट। यदि आप पोस्ट ऑफिस की आरडी को यदि एडवांस भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। और वो छूट कितनी होगी, आपको कम से कम 6 महीने की एडवांस इंस्टॉलमेंट भरनी होगी। यदि आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट भरते हैं और यदि 100 रुपये का आपका आरडी है तो आपको 10 रुपये छूट मिलेगी। उसके बाद यदि आप 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने की जो एडवांस इंस्टॉलमेंट भरते हैं, यदि आपकी आरडी 100 रुपये की है तो आप 1200 रुपये जब जमा करवाएंगे तो आपको 40 रुपये की छूट मिल जाएगी। और यदि आप अपनी आरडी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो 1 साल के बाद में आप आरडी के ऊपर लोन ले सकते हैं। आरडी लोन के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं। यदि आपने आरडी कंटिन्यू भरी है तब ही आप आरडी का लोन ले सकते हैं और वह भी जितनी आपने भरी है उसका 50% आप ले सकते हैं। ये आप कभी भी ले सकते हैं 1 साल के बाद में। और एक खाते पर केवल एक ही बार अलाउ होती है जिसका ब्याज भी आपको देना पड़ता है। जब भी आप आरडी क्लोज करवाएंगे
या जब भी आप लोन को चुकाएंगे तो आपको लमसम लोन चुकाना होगा और उसके साथ में जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज भी आपको चुकाना पड़ेगा। आप आरडी क्लोज करने से पहले भी लोन को चुका सकते हैं। आरडी अकाउंट खुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पर अपने आरडी के लिए खाता खुलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका पहले से बचत खाता खुला हुआ है और पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट है तो आप घर बैठे ही आरडी अकाउंट को ऑनलाइन खोल सकते हैं। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी दिख रहा है। मिनिमम अमाउंट आपको 100 रुपये यहाँ पे होगा और उसके बाद आप 10 रुपये के मल्टीपल के अंदर कितने ही अमाउंट की आरडी करवा सकते हैं। इसके लिए यदि आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पहले से नहीं है तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड यदि है तो आपको ले जाना होगा और साथ ही एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है जो कि आप एड्रेस के रूप में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो पोस्ट ऑफिस से आपको एक पासबुक मिलेगी जिसके अंदर आप हर महीने पैसे जमा करवा सकते हैं। चाहे आप खाता ऑनलाइन खुलवाएं चाहे ऑफलाइन खुलवाएं, दोनों के अंदर ही ऑनलाइन डिपॉजिट की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। जब भी आप आरडी करवाते हैं उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगी वो फिक्स होगी और मैच्योरिटी वैल्यू आपकी डायरी में लिखी होगी। जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसके अंदर रिटर्न कितना मिलता है, क्योंकि ब्याज की रेट हर 3 महीने से चेंज हो जाती है, तो आरडी के ऊपर कितना रिटर्न मिलता है उसका लेटेस्ट वीडियो आपको अभी एंड स्क्रीन पर दिख रहा है। वहां पर जाकर आप वर्तमान में कितना रिटर्न मिलेगा ये जानकारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।